MP7 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं छोटू खान। पूरे मध्य प्रदेश में नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, अस्पतालों का कामकाज ठप, 12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सों ने की हड़ताल। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी नर्सें छतरपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में नर्सों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है और मरीज परेशान दिख रहे हैं। वहीं पर हड़ताल कर रही नर्सों ने बताया कि उन्होंने सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी की जाए, जिसमें प्रमुख मांग है नर्सों को सहायक ग्रेड 2 में शामिल किया जाए और समान वेतन दिया जाए, और जो नर्सें बहने कोविड-19 के चलते अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए शहीद हुई हैं, उनको कोरोना योद्धा घोषित किया जाए एवं 15 अगस्त व 26 जनवरी में सम्मानित किया जाए, साथ ही उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, जिला चिकित्सालय में पदस्थ हूँ। आज हम लोग यहाँ 12 सूत्री मांगों को लेकर के एकत्रित हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 12 सूत्री मांगों में सबसे पहले तो हमारा सेकंड ग्रेड पेपर किया जाए, क्योंकि हम लोग एक बहुत लंबे समय से इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आश्वासन हर बार दे दिया जाता है, पर आज तक हम लोगों को इस चीज के लिए कोई लिखित में या कोई अनुमोदन नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो हमको सेकंड ग्रेड पे किया जाए। दूसरा, हमारे शहीद हुई जो बहनें हैं उनके लिए, कोविड में जो शहीद हुई हैं उनके लिए हम चाहेंगे कि उनके परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। साथ ही में उनको 15 अगस्त में और 26 जनवरी में कोविड वॉरियर्स के नाम से सम्मानित किया जाए। और दूसरा है हमारा कि हम लोग जो हमारा वेतनमान है, समान वेतनमान दिया जाए हमको। दूसरा, हमारी पेंशन योजना जो पुराने समय में हमारी पेंशन योजना थी उसको लागू किया जाए। इस तरह से लेकर के हमारी कुल 12 सूत्रीय मांगे हैं। कब तक के लिए हड़ताल है आपकी, कितने दिनों? हमने एक दिवसीय पहले सामूहिक अवकाश लेकर के पहले एक दिन का प्रदर्शन किया है और सरकार को भी इस चीज का निवेदन भी किया है कि हमारी मांगों को पूरा करो, पर सरकार ने नहीं मांगे पूरी की है। तो आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सारा प्रदेश हमारा जो नर्सिंग एसोसिएशन है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है।